हेलो नाइन्थ क्लास वेलकम बैक टू आर चैनल ऐप पर भी ऐप वाले स्टूडेंट्स का भी वेरी वॉर्म वेलकम वी आर डूंग नाइन्थ चैप्टर उसमें आज हम ये फ्लेम टेस्ट लेने वाले हैं तो आई एम श्योर यू आर बींग बेनिफिटेड फ्रॉम इट है ना आप लोग जितने प्यारे प्यारे कमेंट्स देते हो दैट दिस इज़ यूजफुल फोर यू आई एम वेरी हैप्पी फॉर देट स्पेशली ऐप में कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स दिया है आई एम सो हैप्पी सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आर चैनल है ना चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करिए सो दैट इट 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 ऑल्सो शोज सम ग्रोथ ओके नाओ फ्लेम टेस्ट हम स्टार्ट करें फ्लेम टेस्ट क्या होता है Uh, कि इससे इस इस टेस्ट से बेसिकली हम कैटाइंस को टेस्ट करते हैं जो पॉजिटिव आयन है एंड दैट टू फ्लेम टेस्ट इज गिवन बाय द ग्रुप वन एंड टू जो हमारे ग्रुप वन के मेटल्स होते हैं अल्कली मेटल्स और ग्रुप टू के मेटल्स होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये uh, सारे मेटल्स ऑलमोस्ट फ्लेम टेस्ट देते हैं फ्लेम टेस्ट क्या होता है कि दे इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम उनको जब हम एक बंसन बर्नर के नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पर वो एक कररेक्टरिस्टिक कलर प्रोड्यूस करते हैं तो दैट इज नोन एज फ्लेम टेस्ट उसके उस कलर की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कैटाइन क्या है या वो मेटल कौन सा है तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि सबसे पहले प्रोसीजर क्या है देखो फ्लेम टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है कि एक आपको वायर मिलता है थिन वायर होता है ग्लास रॉड होती है जो कि एंड से इंसुलेटेड होती है मतलब रबर लगा होता है हैंडल पकड़ने के लिए और उसकी टिप पे जो ग्लास रॉड है आपकी उसकी टिप पे प्लैटिनम वायर अटैच्ड होता है छोटा सा थोड़ा सा तो वो प्लेटिनम वायर जो है दैट इज़ नोन एज़ वो हमारा जो है ये फ्लेम टेस्ट के लिए हम उसको यूज़ करते हैं और उसको कैसे यूज़ करते हैं मैं बताती हूँ कि पहले हम उस प्लेटिनम वायर को क्लीन करते हैं क्लीन कैसे करते हैं साबुन और पानी से सोप एंड वाटर से क्लीन नहीं करते हैं वॉट डू वी डू वी हीट इट हम उसको हीट करते हैं बंसन बर्नर या जो भी आपको गैस फ्लेम दी गई है या स्पिरिट लैम्प दी गई दिया गया है जो भी आपके लैब में अवेलेबल है उस पर हम उसकी जो नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम है उसमें हीट करते हैं नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ फ्लेम क्या होता है जैसे आपको देखो ये पर्टिकुलर डायग्राम जो दिख रहा है यहाँ पर आपको फ्लेम के दो कलर दिख रहे हैं ना एक येलो कलर है जो येलो कलर है ये ल्यूमिनस पार्ट कहलाता है फ्लेम का ल्यूमिनस मतलब जो कि लाइट दे रहा है है ना विच इज गिविंग लाइट जिससे कि रोशनी हो रही है दैट इज द ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम और जो ये जो बीच की फ्लेम जो होती है जो कि आपको ये ऑरेंजिश रेड कलर से शो हो रही है दिस इज द नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम ये जो फ्लेम का पार्ट होता है ना ये आपको लाइट नहीं देता है इट डजेंट एमिट लाइट बट इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ योर फ्लेम ये काफ़ी गर्म होता है मैम यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा होती है ल्यूमिनस में हीट कम होती है कंपैरेटिवली। नॉन ल्यूमिनस में काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी होती है हीट की तो आपको नॉन ल्यूमिनस पार्ट मतलब जो फ्लेम का बिल्कुल सेंटर है उसमें उसको हीट करना है तो हम प्लेटिनम वायर को हीट क्यों कर रहे हैं ताकि हमारा प्लेटिनम वायर जो है वो डिस हो जाए उसके ऊपर कोई और इम्प्योरिटी है क्योंकि बहुत छोटा सा बहुत थोड़ा सा सॉल्ट लेके हमें टेस्ट करना है तो हमारा जो प्लेटिनम वायर है इट शुड बी फ्री फ्रॉम एवरीथिंग उसमें कोई इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए नहीं तो हमारा फ्लेम टेस्ट प्रॉपर नहीं आएगा तो क्या करते हैं कि जो आपका प्लेटिनम वायर है उसको कॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड एच सी एल कॉन्ग सी एल में डिप करके और फिर उसको हीट करते हैं नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम में ठीक है एक बार हीट किया फिर आपने दोबारा उसको डिप किया एच सी एल एच सी एल में दोबारा से हिट किया ऐसे तीन चार बार हम करते हैं जब तक कि हमें श्योर ना हो जाए कि हाँ अब इसमें से कोई कलर हमें नज़र नहीं आ रहा मतलब है मतलब ये हमारा प्लेटिनम अब थरली क्लीन हो चुका है ये आपको ज़रूर करना है जब आप ये फ्लेम टेस्ट करने वाले हैं ताकि आपका प्लेटिनम वायर में कोई भी रेजिड्यू नहीं होना चाहिए कोई चीज़ चिपकी नहीं होनी चाहिए क्योंकि किसी और स्टूडेंट ने कभी फ्लेम टेस्ट किया होगा वो सॉल्ट का रेजिड्यू रह जाता है बहुत थोड़ा सा भी रहेगा तो आपका फ्लेम टेस्ट डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपने ये काम करना है ठीक है सबसे पहले उसको क्लीन करना है हीट करके कॉन्सनट्रेटेड एच सी एल में बार बार डिप करके उसको फ्लेम के ऊपर नॉन लिमलस पार्ट तो फ्लेम के ऊपर हीट करना है ओके okay. जब भी हमने तीन चार बार रिपीट कर लिया तो हमें नज़र आ जाएगा कि अब जो वायर है हमारा प्रॉपर्ली क्लीन हो गया है वो हम उस जो हम उसको जब नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट इम्पार्टिंग एनी कलर टू द फ्लेम फ्लेम में कोई एक्स्ट्रा कलर हमें नज़र नहीं आ रहा है दैट मीन्स योर वायर थरली क्लीन नाउ वॉट यू डू अब आप उसको वायर को दोबारा से डाइल्यूट सॉरी कॉन्सनट्रेटेड एच में डिप करिए और जो आपको सॉल्ट दिया गया है जिसका एनालिसिस करना है जिसमें से आपको कैटाइन आइडेंटिफाई करना है उस सॉल्ट को लेके जो आपने प्लेटिनम वायर कॉन्सेंट्रेटेड एच में डिप किया है उस वायर को उस सॉल्ट में लेके थोड़ा सा इस तरीके से घुमा दीजिए ताकि वो जो सॉल्ट है वो वायर में स्टिक कर जाए उस पर चिपक जाए It? आपने जो क्लीन प्लेटिनम वायर था उसको कॉन्सेंट्रेट एच में डिप किया फिर आपको जो सॉल्ट सैम्पल दे रखा है उसमें ले जाके उसको डिप किया ताकि आपके जो प्लेटिनम वायर है उसमें वो सॉल्ट स्टिक कर जाए अब आप क्या करिए कि अब इसको दोबारा से प्लेटिनम वायर को नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम में इंट्रोड्यूस करिए तो अब जो आपका सॉल्ट है उसका उसमें जो भी कैटाइन प्रेजेंट है वो उस फ्लेम में कलर शो करेगा अब कलर कौन कौन से हैं वो आपको आ, आपके सिलेबस में तो कम है बाकी काफ़ी सारे होते हैं ग्रुप वन एंड टू के एलिमेंट्स कलर शो करते हैं लेकिन आपके में यहाँ पे सिर्फ चार ही दे रखे हैं तो देखो अगर आपको गोल्डन येलो फ्लेम नज़र आ रही है है ना बड़ी अच्छी सी गोल्डन येलो फ्लेम नज़र आ रही है जो कि परसिस्टेंट है परसिस्टेंट मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक बार फ्लेम नज़र आई फिर गायब हो गई परसिस्टेंटली कंटिन्यूसली नज़र आ रही है तो दैट मीन्स इट इज़ सोडियम आयन वहां पे कौन सा कैटायन प्रेजेंट है या वो किस चीज किस मेटल का सॉल्ट है वो सोडियम सॉल्ट है सोडियम प्रेजेंट है अगर आपको वायलेट लाइलेट कलर की फ्लेम नजर आ रही है या पिंकिश फ्लेम नजर आ रही है या पर्पलिश फ्लेम नजर आ रही है तो वो आपका पोटेशियम सॉल्ट है पोटेशियम सॉल्ट है और पोटेशियम आयन पोटेशियम कैटाइन वहां पर प्रेजेंट है अगर आपको नजर आ रही है ब्रिक रेड फ्लेम फ्यूजिटिव फ्यूजिव मीन्स एक बार नजर आती है फिर गायब हो जाती है फिर नज़र आती है फिर गायब हो जाती है तो दैट मीन्स इट इज़ कैल्शियम आयन वहाँ पे कैटाइन कौन सा प्रेजेंट है कैल्शियम का नेक्स्ट आपका जो सिलेबस में सिर्फ चार ही कैटाइन है इसके बाद अगर आपको पीकॉक ब्लूइश ग्रीन फ्लेम नज़र आ रही है ब्लूइश ग्रीन पीकॉक जैसे पीकॉक के फेदर्स में जो कलर होता है ना ब्लूश ग्रीन टिंट होती है ब्राइट सी वो फ्लेम अगर नजर आ रही है और आपका वायर धीरे धीरे करोड होना शुरू हो जाए मतलब वो उसमें ऐसा लगे कि बर्न हो रहा है वो भी दैट मीन्स आपका कौन सा आयन प्रेजेंट है कॉपर आयन प्रेजेंट है इसका मतलब वहां पे तो आपके यही है वैसे जो बहुत अच्छी सी एप्पल ग्रीन फ्लेम होती है लाइट ग्रीन कलर के एप्पल होते हैं ना वो बेरियम का आयन भी शो करता है लेकिन वो आपको दे नहीं रखे वो आप क्लास टेन में पढ़ेंगे और ज्यादा कौन कौन से फ्लेम कलर्स होते हैं यहाँ पे सिर्फ यही चार हैं गोल्डन येलो है तो सोडियम आयन है वायलेट या पिंकिश है मजेंटा जैसी है तो वो पोटेशियम आयन है ब्रिक रेड है तो कैल्शियम आयन है और आपका पिकॉक ब्लूइश ग्रीन आयन है तो इसका मतलब क्यूप्रिक आयन है कॉपर आयन प्रेजेंट है आपके सॉल्ट में तो ये आपके फ्लेम टेस्ट हैं है ना इसमें देखिए ये कितने सुंदर से कलर्स दिखा रखे हैं यहाँ पे इस डायग्राम में कि ये ये कलर्स आपको नज़र आएंगे तो ये आप आई होप आपको फ्लेम टेस्ट समझ में आ गया होगा कि ये फ्लेम टेस्ट इस तरीके से करना है और इस तरीके की फ्लेम्स आपको क्लियर नज़र आएंगी। तो आप आगे चलते हैं अब यहाँ पे आपको ये कुछ दे रखा है जो कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि आप कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं आयंस को जैसे कि यहाँ पे ब्लूइश या ग्रीन कलर है तो क्यूप्रिक आयन है लाइट ग्रीन कलर है तो फ़ेरस आयन है ये येलो और येलोइश ब्राइन हो तो फेरिक आयन है फ़ेरस और फेरिक अभी आपके नाइन्थ क्लास में नहीं है टेंथ क्लास में आप इनके सॉल्टस भी पढ़ेंगे वाइट कलर है या कलरलेस है तो ये सारे आयंस हो सकते हैं तो और या फिर स्मेल ऑफ अमोनिया गैस है तो अमोनियम आयन है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है तो आपको सल्फाइड एस की स्मेल आएगी सल्फर डाइऑक्साइड में आपको होगा सल्फर की स्मेल आएगी और सल्फेट आयन प्रेजेंट होगा तो यही सारी चीज़ें दे रखे हैं कि एक्शन ऑफ हीट में भी आपको क्या क्या नज़र आएगा ठीक है अब यहाँ पे टेबल ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स एंड बेसिस इन वाटर की कौन सा सॉल्ट कितना सॉल्युबल है उसके कैटाइंस और एनाइंस की सॉल्युबिलिटी दे रखी है यहाँ पे इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बाय द एक्शन ऑफ हीट यहाँ पे वही जो हमने अभी ड्राई हीटिंग का पढ़ा था वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने दे रखी है कि अगर आपके पास अमोनियम सॉल्ट है तो अमोनिया गैस इवॉल्व होगी अगर आपके पास ऑक्साइड्स हैं या नाइट्रेट है लेड ऑक्साइड है या रेड लेड है या मर्करिक ऑक्साइड है पोटेशियम नाइट्रेट है सोडियम नाइट्रेट है तो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी आपको ध्यान रखना है कि पोटेशियम और सोडियम नाइट्रेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस नहीं देते हैं बाकी सारे नाइट्रेट देते हैं बाकी सारे नाइट्रेट एनओ भी देते हैं और ओ भी देते हैं कार्बोनेट और बायकार्बोनेट अगेन विद द एक्सेप्शन ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम बाइकार्बोनेट तो सी ओ टू गैस इवॉल्व होती है हाइड्रेटेड सॉल्ट है तो वाटर वेपर इवॉल्व होगा सल्फाइट है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी सल्फेट है तब भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी यहाँ पे एक चीज़ नहीं दे रखी है कि अगर सल्फाइड है एस यू एल पी एच आई डी ई अगर सल्फाइड है तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी तब आपकी एच टू एस गैस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इवॉल्व होती है यह ध्यान रखिएगा ठीक है देन अगर लेड कंपाउंड्स हैं तो वो अगर उनको हम हीट करें तो दे देलवेज डीकम्पोज टू गिव लेड मोनोक्साइड विच इज जो पी होता है इट इज रेडिश ब्राउन वेन हॉट नॉट ब्राउन रेडिश ब्राउन लिखिएगा आप एंड येलो वैन कोल्ड एंड इट स्टेन्स द ग्लास ऑफ द टेस्ट ट्यूब ऑल्सो जिंक कंपाउंड्स हैं दे डी कम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव जिंक ऑक्साइड ZnO, विच इज येलो वैन हॉट एंड बिकम्स व्हाइट वैन कोल्ड ये जिंक और लेड के सॉल्ट का बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था उससे पहले भी बताया था इसको आप ध्यान रखिएगा